हाय दोस्तों, वेलकम टू आरडब्ल्यू रिव्यूज। आजकल ट्रेंड चल रहा है हेयर वैक्स पाउडर का, सो मैंने रिसेंटली अर्बन गबरू की हेयर वैक्स पाउडर के ऊपर एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों को काफी पसंद आया है। बट उस वीडियो में ऐसे बहुत से लोगों को डाउट है कि नीश हेयर वैक्स पाउडर और अर्बन गबरू हेयर वैक्स पाउडर में डिफरेंस क्या है, तो इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ कि दोनों में बीच डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करने जाऊँ तो सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो नीश की हेयर वैक्स पाउडर है वो कुछ तो 26-28 रुपीज के आसपास आपको 1 ग्राम की पड़ती है, और साथ ही में जो दूसरी वाली जो हेयर वैक्स पाउडर है अर्बन गबरू की, ये आपको पड़ती है करीबन 39 रुपीस की 1 ग्राम में। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, ये मैं बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा इंग्रेडिएंट्स का डिफरेंस है कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो इतने ज्यादा नेचुरल नहीं है जो नीश की हेयर वैक्स पाउडर है। और ऑन द अदर हैंड अर्बन गबरू के जो भी कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो नीश हेयर वैक्स पाउडर है वो 20 ग्राम्स के डब्बे में या बॉटल में आता है, और उसके साथ साथ अर्बन गबरू की जो हेयर वैक्स पाउडर है वो 10 ग्राम्स के बॉटल में आता है। अब दोनों की दोनों में जब अगर मैं देखने जाऊंगा तो ट्रैवल फ्रेंडली जो आप जाते हो, बेसिकली क्या होता है, बाल जो है आप जब भी जाओगे, मतलब मोस्टली जब भी आप डेस्टिनेशन वेडिंग जाओगे या किसी स्पॉट में जाओगे तब आप सेट करोगे अपने बालों को, तो प्रॉपरली बाल सेट करने के लिए आपके पास वो हेयर वैक्स पाउडर बाजू में रहनी चाहिए। सो मैं प्रीफर करूंगा कि अर्बन गबरू जब भी आप ट्रैवल करो, अर्बन गबरू की हेयर वैक्स पाउडर वो ट्रैवल फ्रेंडली है, किधर भी फिट हो जाती है, और नीश हेयर वैक्स पाउडर क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ पर्सनली कहना चाहूंगा कि इंग्रेडिएंट्स अगर मैं नीश हेयर वैक्स पाउडर के देखने जाऊँ तो बहुत ज़्यादा केमिकलाइज लगते हैं कंपेयर टू अर्बन गबरू के हेयर वैक्स पाउडर के कंपेयर में। ये ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नीश हेयर वैक्स पाउडर बुरी है, बट ऑन द अदर हैंड मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं तो अर्बन गबरू प्रेफर करूंगा क्योंकि उसकी जो पाउडर है उसमें इंग्रेडिएंट्स नेचुरल दिए गए हैं और आपके बालों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं जा रहा है, क्योंकि बाल जो है इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आप जब भी जाते हो तो प्रेजेंटेबल अपने बालों से पहला दिखते हो। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, नीश हेयर वैक्स पाउडर और अर्बन गबरू हेयर वैक्स पाउडर जो है ये दोनों ही क्लेम कर दे कि आपके बालों को वॉल्यूम देंगे, आपके बालों को जो है वो होल्ड प्रोवाइड करेंगे। सो उसका होल्डिंग टाइम जब हम देखने जाते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है कि एक पर्टिकुलर पाउडर ज़्यादा होल्ड टाइम देती है और दूसरी कम होल्ड टाइम देती है, तो इसमें ऐसा कुछ डिफरेंसेस नहीं है। मेन डिफरेंस जो इस पूरे वीडियो में मैंने बताया है कि मेन डिफरेंस जो है वो इंग्रेडिएंट्स और प्राइस का है। इंग्रेडिएंट्स जो है दोस्तों बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या प्रोडक्ट लगा रहे हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप देखने जाओगे तो ऐसा कुछ खरीदो जिसमें ज़्यादा पैसे जा रहे पर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और आपको जो है साइड इफेक्ट्स का जो सिलसिला है वो फेस करना ना पड़े। मे बी अभी नीश मैक्स नीश की जो हेयर वैक्स पाउडर है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, सस्ती पड़ रही है, पर लॉन्गर रन में ये जो इंग्रेडिएंट्स है क्या आपके बालों को साइड इफेक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हमें इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। तो थोड़े ज़्यादा पैसे देकर थोड़ी अच्छी चीज़ खरीदना इस लिटल सेंसिबल। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा, दोनों के बीच का डिफरेंस वीडियो मुझे जरूर बोलिए कमेंट सेक्शन में। अगर दोनों में से कोई भी एक पाउडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। साथ ही में वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों से जिन्हें ये हेयर वैक्स पाउडर का जो डिफरेंस है वो पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमें पूरे करने हैं 50K सब्सक्राइबर। ऐसे ही कुछ वीडियोज में लाता रहता हूँ आपके बेनिफिट के लिए। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। और नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे आप मुझे मेरी जो आईडी है उधर जाके मैसेज कर सकते हो और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर सकता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, बी मोटिवेटेड। इट्स वन अक्षर साइनिंग ऑफ।